जनपद कौशाम्बी के कस्बा करारी में गरीबों की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। गरीबों को मिलने वाला आवास भी इन पात्रों गरीबों को नहीं मिल पा रहा। कौशाम्बी के कस्बा करारी मोहल्ला नेतानगर के रहने वाले कई पात्रों को प्रधानमंत्री आवास बार बार आवेदन करने पर भी नहीं मिल रहा। पात्रों से आवास के नाम पर जिम्मेदार मोटी रकम मांग रहे, रिश्वत न देने पर पात्रों को आवास नहीं मिल रहा, जिसका कारण यह है कि बारिश में गरीबों की स्थिति दयनीय हो गई। INA के लिए जनपद कौशाम्बी से संवाददाता अफलाक खान की रिपोर्ट। नमस्कार, INA न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त कौशाम्बी के कस्बा करारी में मौजूद हूँ। कस्बा करारी के मोहल्ला नेतानगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कई लोगों को कॉलोनी जो पात्र हैं वो पात्र हैं, उनको कॉलोनी नहीं मिल रही है। पात्र होते हुए भी यहाँ तक कि चार चार बार पांच पांच बार यहाँ लोग भरे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मकान की हालत और कैसे ये लोग रह रहे हैं इस मकान में। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख लीजिए क्या हालत है यहाँ पे। ऐसी बारिश के माहौल में ये लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे रहेंगे। और जब यहाँ के जिम्मेदारों के पास ये लोग जाते हैं कि मेरे पास छत नहीं है रहने के लिए, तो जिम्मेदार क्या जवाब देते हैं, अभी मैं आपको सुनवाऊंगा इन लोगों से कि ये लोगों को क्या कहना है, इन्हें कॉलोनी क्यों नहीं मिल रही है। कैमरामैन अनवर अंसारी के साथ मैं अफलाक खान, INA न्यूज, करारी कौशाम्बी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र है। क्या मामला है? मामला है कि हमारा कॉलोनी नहीं मिल रही। हम जिसके पास जाते हैं हमारा कोई सुनाई नहीं करता। हम जिसके पास जाते तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम करारी नेता नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कॉलोनी आपने कितने बार भरी है? मैंने कॉलोनी एक बार नहीं, मैंने चार बार दे चुका हूँ। तो पास क्यों नहीं हो रही है? मुझसे पैसा की मांग कर रहे हैं। मैं कहाँ से पैसा दूँ, कहाँ से मैं कॉलोनी मुझको मिलेगी? जिसके पास दो दो मंजिल माता के घर बन रहा है, पक्का मकान बना हुआ है, उसको कॉलोनी दिया गया है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कौन पैसे की मांग कर रहा है आपसे? पैसा की मांग कर रहे हैं हमसे, कि ये रामहित भी हमसे कहा कि 10,000 रुपया लगेगा वहाँ। रामहित कौन है? रामहित चेयरमैन है। कहाँ के? करारी का। करारी के चेयरमैन है। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? जब ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लगेगा जब तुम्हारे कॉलोनी जाएंगे पास करवाने, तो मेरे पास पैसा कहाँ है कि मैं 10,000? तो अपने और जो चेक जांच करने आते हैं जो आवास की, वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो जांच करने में क्या कह रहे हैं? जो कॉलोनी जांच करने वाले आते हैं तो वो भी पैसे के सवाल करते हैं, और भी कहते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी नहीं आएगी। तो आप चाहते क्या हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हम अगर सरकारी आवास सबको मिला है तो हमको भी एक गरीब आदमी का आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी कहाँ की रहने वाली हैं? करारी। कौन सा मोहल्ला है? नेतानगर। क्या मामला है आपका? हमारी कॉलोनी नहीं आ रही, चार साल से भरे हैं, जिससे कहते हैं तो कहिए आज आएगा पैसा, कल आएगा, हम लगवा देंगे। पैसा घूस मांगते हैं, घूस हमारे पास नहीं है तो कैसे देंगे। अच्छा, कितना पैसा मांगते हैं? कहा कि चेयरमैन 10,000 मांगी नहीं, फिर वो गब्बे नहीं भी दोबारा कहा थे जब पैसा दे तो हम पाओ हमारे पैसे नहीं। अच्छा, आपके वार्ड के सभासद क्या कर रहे हैं? उनसे कहा तो उन्होंने कहा हाँ हम करवा दे, उन्होंने आज तक दिखाई नहीं देती। हाँ बताएं। वो खत्म हो चुके हैं, अब क्या कहते हमारी कोई सुनाई नहीं दी तब से। अच्छा, आपके वार्ड के सभासद खत्म हो गए हैं? हाँ। एक्सपायर हो चुके हैं? हाँ। तो कौन वार्ड देख रहा है इस समय? अब क्या कहते जाओ ना, आते जाते हैं, हम चीन तो नहीं है कौन है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं जो वार्ड देख रहे हैं? वो कहते हैं हाँ करवा दे, नहीं सुन रहे। अच्छा, वो भी नहीं सुन रहे। आप क्या चाहती हैं? हमारी कॉलोनी आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? करारी नेता नगर। क्या मामला है आपका? कॉलोनी भरा है, चार बार भराए, हुआ गए टाउन एरिया में, कह रहे हैं कि नेट पर तुम्हारी कॉलोनी आ गई। जब हुआ गए तो कह रहे हैं कि तुम्हारी कॉलोनी नहीं पास होगी, कटवा दिए। अब हमको क्या मालूम, हम अब हुआ के अधिकारी लोग जाने क्या कह रहे हैं टाउन एरिया वाले? टाउन एरिया वाले कह रहे हैं तुम्हारी कॉलोनी कट गई। अच्छा, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, पूछा नहीं आपने? हम पूछे, बोले कि नहीं आएगी। और क्या कह रहे हैं? और कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो आप कॉलोनी कितने बार भरे हैं? हम चार बार भरे। तो आप सरकार से कुछ अपील करेंगे? कहे नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना है? सरकार से यह कहेंगे चार बार भरे, अब कॉलोनी हमारी नहीं पास हो रही, हम कहाँ से पाए पैसा? कौन सा पैसा?
अरे ये घर बनाने के लिए अपन जी जी हाँ बच्चे देखे तो आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी आ जाए। ठीक ठीक